देखिए, पहली जी बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में और 19 में जब लोगों को वादा करके आए थे, तब अपना एक मैनिफेस्टो लेके आए थे जी और उस मैनिफेस्टो में लोगों को कुछ वादे किए गए थे। अभी मैं बार बार वही रिपीट करूंगा, 15 लाख बोला था, 2 करोड़ नौकरी बोला था। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक स्कीम बताया था कि स्विस बैंक से जिन लोगों का, भ्रष्ट लोग, करप्ट पॉलिटिशियन लोग का पैसा है, उसको वो वापस लाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और उनका ये कहना था कि कांग्रेस जब 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार है वो लिस्ट छुपा के रखी है, जैसा मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा स्विस बैंक का वो काला धन का लिस्ट पब्लिक के सामने लाऊंगा। और आज हम देखते हैं स्विस बैंक तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे एसबीआई का लिस्ट देने के लिए ये लोग कोर्ट के सामने समय मांग रहे थे। मगर धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का, वो लोग ने फटकारा एसबीआई को, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो पूरा काला चिट्ठा है वो देश के सामने। और जब ये काला चिट्ठा बाहर आने के बाद क्या दिखने में आता है कि 41 कंपनियों ने, इन्होंने करीबन 2,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिया है।